नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं बड़ाशी की खबर। करधना में राशन की दुकान से वितरण किए जा रहे चावल में ग्रामीणों का आरोप है कि कोटे की दुकान पर चावल में प्लास्टिक के चावल का मिक्सिंग आ रहा है, जिससे यह चावल खाने में हम लोगों को पेट में दर्द होने की दिक्कत आ रही है। हम लोगों ने इसकी शिकायत कोटेदार से की तो कोटेदार ने बोला कि यह चावल आगे से आ रहा है, इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आगे शिकायत करिए। कार्डधारक ज्ञानती देवी, चंद्रावली पटेल, विद्या देवी, संगीता मंजू भगवानी, सुदामा कुंती का आरोप है कि चावल की गुणवत्ता ठीक नहीं है, चावल में प्लास्टिक की घटिया किस्म की मिलावट की गई है। कोटेदार मुन्ना गुप्ता व शरद पांडे का कहना है कि जो खाद्यान्न आया है वही वितरण किया जा रहा है। नाम जानती देवी, प्रतापपुर। क्या मामला है? हमने जब चावल लाया कोटा पर से, तो जब उसको फेंक रहे थे तो हमको एक अलग ढंग का चावल दिखा, तो हमने उसके मुँह में डाल के अपने चखा तो हमको प्लास्टिक का चावल लगा, और कन्फर्म था कि प्लास्टिक का चावल है। बनाने में भी वो दब नहीं रहा है, टुका टुका हो जा रहा है, और ये प्लास्टिक का चीज़ जब अंदर जाएगा तो नुकसान ही करेगा इंसान के पेट में ना। जब गाय प्लास्टिक खा। आपने कोटेदार से शिकायत की? कोटेदार से हमने शिकायत की तो कोटेदार बोला कि क्या हम अपने घर से थोड़ी पैक कर रहे हैं, पैक किया आ रहा है माथे से, तो हम क्या करें, उसमें आ रहा है मिलावट।